एक बनाना शेक बनाओ तुम भगवान जी के लिए, बढ़िया सा उच्च कोटि का। हवा चल रही ठंडी ठंडी, सुर 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 वाली। पहाड़ों में अगर कोई घूमने आ रहा है तो बड़ा बच के संभल के बच के रहना रे बाबा। हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो पहाड़ में। मेरा नाम है करण भंडारी और मेरे गांव का नाम है जियोनी। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। और आज का ब्लॉग जो हो रहा है वो हो रहा है शाम के टाइम से। शाम के टाइम ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो गया हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना कोहरा लगा है। और अभी तो तब भी थोड़ा उजाला हो गया है, लेकिन अभी तक इतना एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंधेरा हो गया होगा। और जबकि अभी टाइम हो रहा है 4:30 और आजकल अंधेरा होता है 7 बजे। तो देखो तुम अभी तो, और मौसम आजकल इतनी जल्दी चेंज करवट ले रहा है, चेंज हो जा रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कुछ टाइम पहले बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद अचानक धूप लग गई, फिर बारिश होगी, फिर शांत, फिर मौसम साफ, फिर अभी देखो कोहरा लग गया और फिर हल्की हल्की बारिश। ये देखो नीचे देख सकते हैं बारिश गिरने लग गई है। फिर इससे पहले मैं अभी रुड़की से होकर आया हूँ यहाँ पे। तो रुड़की में हालांकि यहाँ से ज़्यादा बारिश प्लेन्स देहरादून उन जगह हो रही है, रुड़की हो रही है, बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ पर तब भी टेम्परेचर क्या है, हाई है, इतनी गर्मी हो रही है। और देहरादून कम, रुड़की ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ देखो फिर बारिश होने लगी है और मैंने अभी जैकेट पहनी है। यहाँ पर ठंड हो रही है जबकि यहाँ पे हालांकि धूप होती है और बारिश कम है वहाँ की तुलना में, प्लेन्स की तुलना में बारिश कम है, लेकिन तब भी यहाँ ठंड हो रही है। तो प्लेन्स का जो वो होता है ना, मौसम होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम मीन्स इन द सेंस कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ठंड में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अपने यहाँ सर्दी होती है लेकिन वहाँ एकदम हाड़ कंपा देने वाली सर्दी होती है। अभी तक कितना उजाला था, फिर देखो कोहरा आ गया और कोहरे के छाते ही यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होने लग जाता है। ऊपर भी देखो आप, तो ये देखिए मौसम का बदला स्वरूप। अभी तक एकदम अंधेरा, घुप अंधेरा था, तो मौसम तो साफ हो गया, जो फॉग था ना वो तो छट गया है, लेकिन क्या है अब बारिश तेज़ हो गई है भयंकर। ये देखो अभी तक जो एकदम हल्की बारिश हो रही थी और एकदम ऐसा लग रहा था कि रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी मौसम साफ, नीट एंड क्लीन, लेकिन बारिश झमाझम झमाझम। मुझे लग रहा है ये ब्लॉग पूरा बारिश पे ही होने वाला है, क्योंकि बारिश और मौसम पे ही होने वाला है। और ये पंदेरियाँ भी गिरना शुरू हो गई है। हम पंदेरी कहते हैं इसको, जो ये छत से गिरते ना पठाल वाली जो मकान होती है, तो ये पंदेरियाँ गिरने लगी है। और अपने यहाँ ये लैंटर वाला है तो एक ही ये नल लगा है, इन नल से ही एक हल्का सा ही पानी गिरता है, लेकिन अभी टाइम आने पे बहुत मोटी धार गिरती है और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो गई यार, ज़बरदस्त। ये देखो अंदर तक ये सामान, कूड़ा सामान था, ये सब भीग गया है। यहाँ तक मेरे शूज भी रखे हैं, वो भी भीग सकते हैं। और शहरों में पता लोग क्या करते हैं, जैसे ही बारिश होती है तो घरों से बाहर निकल जाते हैं रोड पर घूमने, क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी होती है अंदर, और जैसे ही बारिश होती है तो मौसम खुशनुमा हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। माय गॉड, बारिश कम होने की बजाय ज़्यादा ज़्यादा हो रही है। अभी देखो ना तुम, कंटिन्यू लगी है, कंटिन्यू। ये देखो और ज़्यादा ज़्यादा हो रही है, माय गॉड क्या झमाझम बारिश। लेकिन यहाँ पे हम हो सकता है अगर कोई प्लेन्स वाले देखे तो वो बोले यार घूमने चले जाएं बाहर बारिश में, लेकिन यहाँ पे ठंड है, यहाँ का जो टेम्परेचर वो कम है शहरों के बजाय। लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी खतरनाक बारिश लगी है और हमारे यहाँ लाइट है। जनरली होता ये है कि जैसे ही यहाँ पे थोड़ी भी बारिश होती है ना लाइट चली जाती है, लेकिन इतनी झमाझम बारिश हो रही है लेकिन लाइट नहीं है। और हो इसका कारण ये भी मुझे लगता है, हो सकता है कि जहाँ से ये लाइट सप्लाई होती है, हो सकता है वहाँ बारिश ना आ रही हो, वहाँ मौसम ठीक हो, तो उन्हें लग रहा होगा कि मौसम ठीक है तो बारिश क्यों, वो लाइट क्यों काट दी। कभी कभी ये भी होता है, और कभी कभी क्या होता है मौसम यहाँ ठीक है और वहाँ बारिश आ रही है तो वो लाइट काट देते हैं। हालांकि अभी भी अगर आप देखोगे तो फ्लैक्चुएट हो रही है जो ये लाइट है ना, शायद कैमरे में पता नहीं चले हो, पर मुझे लग रहा है कि जाने के आसार हैं। हरिका भी उठ गई, उठ लो, उठते ही तुरंत सीधे फोन चाहिए। देखो अच्छा गेम खेल लिए, यू आर प्लेइंग गेम। एक बनाना शेक बनाओ तुम भगवान जी के लिए, बढ़िया सा
उच्च कोटि का। अरे खाना का बिल्ली चाहिए, इसको भी पता नहीं क्या क्या चाहिए, कभी पापा का क्या चाहिए, पापा का कॉकरोच चाहिए, अब खाना का बिल्ली चाहिए। तो अभी हो गया है मौसम और सुहाना, क्योंकि अभी बारिश बंद हो गई है और हवा चल रही ठंडी ठंडी, सुर 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 वाली है, बारिश आ रही है। हाँ तो क्या, अभी तक क्या आ रही थी, अभी तक ओले गिर रहे थे, फिर और आ रही है और ज़्यादा आएगी। अरे तो भाई मौसम का तुम्हें पता ना, किसका हाईलाइट, हाँ बारिश का हाई अलर्ट है, येलो अलर्ट, कभी येलो अलर्ट है कभी रेड अलर्ट है। अब मेरी समझ में नहीं आता येलो अलर्ट क्या है, रेड अलर्ट तो शायद ये है कि मतलब एक्सट्रीम है तो ज़्यादा ही बारिश है। अरे येलो अलर्ट में ऐसा होगा ना कि पत्थर गिरेंगे लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी। अच्छा हाँ, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे और टूट फूट भी हो सकती है, कुछ अंग भंग हो सकता है भाई, तो बच के रहना। पहाड़ों में अगर कोई घूमने आ रहा है तो बड़ा बच के संभल के बच के रहना रे बाबा। वेटिंग फॉर बनाना शेक का वेट हो रहा है, देखते हैं कब तक आता है, बावर्ची कब लाता है बनाना शेक। एंड हरिका इज ऑल्सो वेटिंग फॉर बनाना शेक। डू यू वॉन्ट बनाना शेक, यू वॉन्ट बनाना शेक, व्हाट हैपेंड? मेहंदी रचाई हरिका ने अपने हाथों में मेहंदी, दीवार पे भी रचा रही है ये, दीवार पे देखो इसने दीवार बर्बाद कर दी, खराब कर दी, दीवार पे लिपस्टिक लगा दी इसने, क्या करें। ये आया अपना बनाना शेक, चलो भाई लाओ 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 बनाना शेक। वो इसके ऊपर से कोकोनट डाल रखा ये, और ये होममेड बनाना शेक है और मैंने ही सिखाया बनाना शेक। Cheers. हरिका का एक्शन देखो तुम, वाह वाह वाह, एक्शन हीरो बनेगी, एक्शन हीरो टेम्पर वाह। ओ कहाँ चढ़ गई हरिका, ओए बूम। तो मेरे को ना बीच बीच में अलग अलग चीज़ों का चस्का लग जाता है, आजकल मेरे को चस्का लग गया बनाना शेक का, तो डेली आजकल दूध आ रहा मार्केट से और केले आ रहे हैं और बनाना शेक बन रहा है, ऊपर से मैंने नारियल भी डाल के, हालांकि बीच में थोड़ा वो भी थे अखरोट भी थे लेकिन अखरोट ख़त्म हो गए, ड्राई फ्रूट जब होते ना इसमें तो अच्छा लगता है, तो एक चस्का ये भी है। तो ये हरिका को चाहिए क्रैकर्स, माने पटाखे चाहिए, ये बीच में दिवाली के मेरे पास बचे थे ना कुछ, ये अगर आपको ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं तो छोटे छोटे हाथ गोले थे ये आ रखे थे, तो ये क्या है हाथ से अगर जैसे छूट रहे हैं एकदम पटक से फूट जा रहे हैं और छोटी सी आवाज़ आ रही है, तो ये हरिका भी जैसे फोड़ दे दिया उनको, और जैसे वैसे क्रैकर्स से डरती है हरिका लेकिन वो फूट जा रहे हैं। तो अब ये लगा है इसका कि क्रैकर्स लाओ, और ये देखो मारने के लिए डंडा ले आए। You want beat me? My God, you are a bad girl. वाह क्या पोज से खड़ी हुई है हरिका। हरिका वेर आर यू गोइंग? भाई साहब अभी मैं मौसम के हाल दिखाऊँ ना आपको, ये देखो इधर से साफ नीट एंड क्लीन हो गया है, ये देखो ऊपर से भी, हाँ कहीं कहीं बादल है जैसे इधर है, ये देखो और इधर देखो कोहरा छाया है। और अब ये कुंतरी यहाँ पे फिर अपना मोबाइल देखने लगी है, इसको भी मोबाइल का चस्का है, मोबाइल देखने में लगी रहती है। ये देखो हरिका, हेलो कर। तो आजकल बच्चों का क्या है, मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी क्या है इतना मोबाइल एडिक्टेड हो गया है, मोबाइल चाहिए हर चीज़ के लिए। अभी ये भी बचपन से ही छोटी से, जब छोटी थी अभी तो लगभग 3 साल की होने वाली है, तो मोबाइल ही मोबाइल है, अभी भी इसको मोबाइल ही देखो, मोबाइल देखने पर लगा।
और मोगा जब देखते हैं ना इतना मतलब कॉन्सेंट्रेट हो जाती है उस पर, अगर इसको बोले भी ना कुछ काम करने के लिए हरी का तो आवाज़ भी लगाती, मतलब ध्यान ही नहीं देती है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।